नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अनमोल मयंक, जो अक्सर कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनकी नजर क्रिकेट पर काफी रहती है और क्रिकेट को काफी बारीकी से देखते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है इससे। तो आज इनको हमने एज एन एक्सपर्ट के तौर पर रखा है, क्योंकि हमारे बिहार के लाल, पटना के लाल ईशान किशन की चर्चा हो रही है कल के मैच के बाद। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने जो मैच वो ऐतिहासिक रहा है और उन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसके बारे में अनमोल बताएंगे। अनमोल बताइए, कल के इंग्लैंड के खिलाफ के क्रिकेट मैच में ईशान किशन ने ऐसे दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने जो अपने डेब्यू मैच में 50 से प्लस स्कोर बनाए, मतलब सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बनाया इन्होंने। इन्होंने 32 गेंदे खेली और 56 रन का एक शानदार पारी खेला, इसके अलावा जिसमें 4 छक्के शामिल थे और 5 चौके शामिल थे, और ये वर्ल्ड के मतलब 44 प्लेयर शामिल हुए जिन्होंने अपने पहले मैच में, पहले T20 इंटरनेशनल मैच में 50 प्लस स्कोर इन्होंने बनाया था। और इसके अलावा इंडिया से अजिंक्य रहाणे काम कर चुके हैं, उन्होंने 61 रन की पारी खेली थी अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर जो कि 2011 में हुआ, 11 में। तो कल इंग्लैंड कितने रनों से हारा, कितने विकेट से हारा है, उसके अलावा इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए। हाँ हाँ। और इसका पीछा करते हुए पहले ओवर में सैम करन बॉलिंग कराने आए, जिसमें उन्होंने मेडन विकेट लिया, एक भी रन इंडिया की टीम नहीं बना पाई और केएल राहुल आउट हो गए। उसके बाद से ईशान किशन आए, बोले रिलैक्स बॉयज मैं हूँ अभी मैं तो, मतलब उसके बाद से ईशान किशन जो ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने जो कह रहा था कि इंग्लैंड के बॉलरों के धागे खोल दिए। हाँ। छक्के पे छक्का इन्होंने जड़ा, इन्होंने 4 छक्के जड़े। कोहली ने भी शानदार पारी खेली, वो नॉट आउट गए और उन्होंने 49 गेंदे खेली और 73 रन बनाए, नाबाद रहे। अच्छा, वो फील्ड में जो फोटोज सामने आ रही है जो कोहली और ईशान किशन की, उसे देखकर कुछ प्राउड फील हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ईशान किशन बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग को, वो भी पटना से कंकड़बाग से के रहने वाले हैं। कोहली ने कुछ चेंजेस किए हैं, ईशान किशन कैसे मैदान में उतरे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि शिखर धवन एज एन ओपनर उतरने वाले थे और अक्षर पटेल, उन दोनों को बाहर किया गया। शिखर धवन शायद उनके खराब फॉर्म की वजह से उनको बाहर बैठाया गया या फिर उन्हें आराम दिया गया होगा। हाँ हाँ। उसके जगह पे इन्होंने ईशान किशन को डेब्यू कराया और अक्षर पटेल शायद चोटिल होंगे या उन्हें भी रेस्ट किया गया होगा, जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव का भी डेब्यू। तो सूर्य कुमार और ईशान किशन दोनों का ही डेब्यू मैच था। सूर्य कुमार यादव खेल नहीं पाया क्योंकि उनकी बारी ही नहीं आई, बारी नहीं आई। अच्छा, इसके अलावा आईपीएल में कैसा रहा है ईशान किशन का बैकग्राउंड, मुंबई इंडियंस के अभी के तो खेलते अभी फिलहाल वो मुंबई इंडियंस में है और हाँ। उनका हाईएस्ट स्कोर पिछले ही साल इन्होंने मारा है 99 रन, एक रन से वो अपना शतक चूक गए थे और उनका स्ट्राइक रेट 136 का है। हाँ। और एवरेज 28 का, जो कि एक बहुत ही शानदार है T20 क्रिकेट में। तो ईशान किशन से हमें क्या सीखना चाहिए, पटना के मैदान से वो आगे गए हैं और आई थिंक आपकी उम्र से खेलना उन्होंने शुरू किया। हाँ, तो उनकी बैकग्राउंड की जानकारी आप दे दें अच्छे से हमें, हमारे ऑडियंस। ईशान किशन ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और रणजी मैच में, और 75 पारियों में इन्होंने 2665 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। इनका अधिकतम स्कोर 273 रहा, जो कि मतलब बहुत ही शानदार है। और लिस्ट ए के 73 मैचों में ईशान ने 70 इनिंग में 2507 रन बनाए हैं, इसमें 4 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है, इसमें इनका अधिकतम स्कोर 173 रन रहा है। तो ये थी ईशान किशन के बारे में जो भी हमने देखा है कल इंस्टाग्राम पे, जैसे उनके लिए रील्स में वीडियो बन रहे हैं, लोग उन्हें काफ़ी अडोर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने ट्वीट भी किया है। किन किन लोगों ने ट्वीट किया है आप जरा बता दें हमारे ऑडियंस को। वीरेंद्र सहवाग ने इनकी तारीफ की है, युवराज सिंह ने इनकी तारीफ की है। तो ये बात की, इस बात की खुशी है हमें कि हमारे पटना की लाल की इतनी चर्चा हो रही है, और ऐसे में अगर बिहार में भी इसका ऑप्शन खुल जाता है तो शायद बहुत सारे ईशान किशन हमें मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग मिल सकते हैं ऐसे जो क्रिकेट में काफ़ी रुचि रखते हों और काफ़ी अच्छा खेलते हों। ईशान किशन को वो वे मिल गया जाने का, आगे बढ़ने का, और ऐसे हमारे और भी जो है बिहार के बच्चों को मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैं बता दूँ कि वो बिहार से रणजी ने, जबकि झारखंड की टीम से
होने के बावजूद, क्योंकि बिहार में टीम बिहार में वो उनको मौका ही नहीं मिल सकता है, टीम ही नहीं थी उस समय जब वो खेलते थे। ये तो हमें पता है, एमएस धोनी ने भी जब खेलना शुरू किया था उस समय बिहार का ही हिस्सा था झारखंड, और वो भी फिर भी वो झारखंड से खेले क्योंकि यहाँ टीम ही नहीं था और यहाँ शुरुआत ही नहीं हुई है अच्छे तरीके से कभी क्रिकेट की। जब भी कोशिश की गई है कुछ ना कुछ हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि आगे बिहार के बच्चों का भविष्य क्रिकेट में आगे बढ़े और सरकार इस पर खासा ध्यान दे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं और प्राउडली कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं क्योंकि ईशान किशन ने हमारा नाम भी रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।